और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की हालत ठीक है। सहारनपुर के हॉस्पिटल में चंद्रशेखर आजाद का इलाज चल रहा है। देवबंद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया। चंद्रशेखर आजाद को छूती हुई एक गोली निकल गई। उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला किसने किया, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी की फुटेज है किस तरह से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर हमला हुआ और गोलियां जो हैं वो गाड़ी में सीट में भी देखी जा सकती हैं। आप तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस गाड़ी में चंद्रशेखर आजाद हैं भीम आर्मी चीफ। देवबंद इलाके में ये हमला हुआ उन पर और गोली उन्हें छूती हुई निकल गई, यानी उनकी पीठ पर छर्रों के निशान जो है वो साफ देखे जा सकते थे। पहले शुरुआत में उन्हें देवबंद में एक हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें सहारनपुर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब उनकी हालत ठीक है। आप तस्वीरों में देखिए, गोल घेरे में हम दिखा रहे हैं, सीट पर भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। उसके अलावा कार के बाहर जो बॉडी है उस पर भी आप देखिए किस तरह से गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। शीशे टूट चुके हैं और चंद्रशेखर की हालत ठीक है, कम से कम ये राहत की बात है। हालांकि उन्हें छूती हुई पीठ पर उनके खून देखा जा सकता था, हल्का छर्रे जो है उनकी पीठ को छूते हुए निकले हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि वो बाल बाल बचे। जानलेवा हमला उन पर हुआ, यह हमला किसने किया अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। और सहारनपुर के हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया गया। उसके बाद ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार के अंदर टूटे हुए शीशे कार के, और ये आप देखिए पीठ पर उनके चोट का निशान है क्योंकि छर्रा उन्हें छूता हुआ निकल गया। और आज देवबंद में थे अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ, और ये आप देखिए गाड़ी उनकी जा रही है और किस तरह से सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन राहत की बात यह है कि खतरा अब टल चुका है। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तुम हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ, सहारनपुर की तरफ। ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, दादा रेड्डी वाला, हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे नीचे ही थी, उसी से भागी, हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी, आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। अच्छा। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो चार लोग बैठे थे ना? पांच थे। ड्राइवर को लेकर गए? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, पांच लोग उसके साथ। अच्छा, मनीष भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।